एक बार फिर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री विवादों में घिर गए हैं। इस बार विवाद का कारण हिंदुत्व नहीं बल्कि संत तुकाराम की पत्नी पर दिया गया विवादित बयान था, जिस पर हंगामा होने के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने अपने बयान पर माफी मांगी है। संत तुकाराम एक महान संत, हमारे आदर्श। संत तुकाराम नकारात्मकता में भी सकारात्मकता खोज लेते हैं। हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं। संत तुकाराम पर दिए विवादित बयान पर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सफाई दे दी और साथ ही अपने बयान पर माफी भी मांग ली है। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में शास्त्री ने संत तुकाराम और उनकी पत्नी पर दिए विवादित बयान पर अपना स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि उनके शब्दों से जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है वो उनसे माफी मांगते हैं। बहुत आदर्श मानते हैं उनको, तो उसमें पढ़ा था कि गन्ना से उनकी पत्नी गन्ना लेने भेजती, फिर वो एक गन्ने के दो टुकड़े हो जाते पिटाई के कारण। तो हमने अपने भाव में उसको समझाया, उसको कई लोगों की भावनाओं को जो वार करे समाज है, पंथ है, उस पंथ के अनुयायियों को क्षोभ पहुंचा। उसके लिए हम साधु भाव में यही कहेंगे कि आप अपने मन में क्षोभ ना लें, हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं। आदर्श हमने संत तुकाराम से सीखा है, उसके लिए हम आप सबको पुनः निवेदन करके हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हैं। आप सब प्रसन्नचित रहें और पुनः जो है आप सभी संत तुकाराम की महिमा को गाते रहें। धन्यवाद। दरअसल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल हो रहे वीडियो में वे ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि संत तुकाराम की पत्नी उन्हें रोज डंडे से मारती थी। इसी टिप्पणी के कारण राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी धीरेंद्र शास्त्री के विरोध में खड़ी हो गई। वहीं कुनबी मराठा समुदाय बागेश्वर बाबा के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है और युवा मंच की ओर से बागेश्वर बाबा के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई। हालांकि मामला और धूल पकड़ता इससे पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सभी से माफी मांग ली। बहरहाल ये कोई पहला विवाद नहीं है जिसको लेकर धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ लोग सड़क पर उतरे थे। इससे पहले भी महाराष्ट्र के तर्कवादी श्याम मानो ने उन्हें चमत्कार साबित करने की चुनौती दी थी, जिसे लेकर कई लोग बाबा के समर्थन में दिखे। तो कई लोगों ने धीरेंद्र शास्त्री पर सवाल खड़े किए। टीम न्यूज़ स्टेट।